A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today, I will teach you mathematics. Now, I am going to take up exercise 2E and 2F. Now, start करते हैं. Question number 1. Add the following. इसमें हमको questions दिए हुए हैं. उसको हमको add करना है. चलिए first number देखते हैं इसका. 2456 प्लस 3213. ओके, इन दोनों नंबर को हमको ऐड करना है. चलिए ऐड करते हैं. 6 प्लस 3 कितने होते हैं? 9. तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे. नाउ 5 प्लस 1 कितने होते हैं? 6. यहाँ पर हम 6 लिखेंगे. Now, 4 plus 2, 6, again 6, okay. Now, 2 plus 3, 2 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, यहाँ पर हम 5 लिख देंगे. Okay, now, next one is 3678 and 6259. इन दोनों नंबर्स को हमको ऐड करना है. चलिए ऐड करते हैं. 8 प्लस 9 कितने होते हैं? 17. 17 की कैरी 1 यहाँ पर और 7 यहाँ पर. ओके, नाउ 7 में 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 12. ओके, 12, 1 कैरी 13, 1 यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ पर. ओके, नाउ 6 प्लस 2, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 और 1 कैरी 9. नाउ 3 प्लस 6, 3 में 6 ऐड करेंगे तो 9, यहाँ पर हम 9 लिख देंगे. हमारा आंसर कितना आ गया? 9937. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द सम. इसमें हमको क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है. चलिए करते हैं. देखिए, आप इसमें देख सकते हैं 3 नंबर्स दिए हुए हैं आपको. फर्स्ट नंबर है 1354, सेकंड इज 3203 एंड थर्ड नंबर इज 2232. ओके, इसका हमको सम करना है, मींस ऐड करना है. इन तीनों नंबर को हम लिख लेंगे. पहले 1354, इसके नीचे लिखेंगे 3203 एंड थर्ड नंबर इज 2232. यहाँ पर हम ऐड का साइन लगाएंगे और इस नंबर को ऐड कर लेंगे. चलिए ऐड करते हैं. 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 प्लस 3 7. ओके, 7 प्लस 2 9, यहाँ पर हम 9 लिख देंगे. ओके, नाउ 5 प्लस 0 प्लस 3, 5 प्लस 0 5, 5 आया, फिर 5 में 3 ऐड करा तो 8, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे. ओके, नाउ 3 प्लस 2 प्लस 2, 3 प्लस 2 प्लस 2 कितने होंगे? 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7. ओके, नाउ 1 प्लस 3 प्लस 2, 1 प्लस 3 4. 1 प्लस 1 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 4 होंगे और 4 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 6, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे. ओके स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले इसमें क्या किया? ये जो नंबर्स लिखे थे उसको सबसे पहले इस नंबर को लिखा, देन इस नंबर को, देन थर्ड नंबर को लिखा. ओके, इस नंबर को ले, सारे नंबर्स लिख के हमने इसको ऐड कर लिया. ओके, कैसे किया? 4 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9, 5 प्लस 0 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8, 3 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7 एंड 1 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
देख सकते हैं हम इसमें इसमें क्या है, इसमें थ्री नंबर्स थे, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 हैं। ओके चलिए पहले इसको नंबर्स को हम लिख लेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है, 2678। सेकंड क्या है, 1609। नेक्स्ट इज 2468 एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज 2472। देखिए हमने सारे नंबर्स लिख लिए, अब यहाँ पर ऐड का साइन लगाएंगे और इनको ऐड कर लेंगे। चलिए हम ऐड करते हैं, अब 8 + 9 + 8 + 2 कितने होते हैं, 8 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 17। ओके 17 होगा, 17 में हमने 8 ऐड किया तो 17 में 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 25। ओके 25 होगा, फिर 25 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 27। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 27। एक बार और देखेंगे इसी चीज़ को, हम देखते हैं 8 + 9 कितने होते हैं, 17। ओके फिर 17 में हमने 8 को ऐड किया तो वो कितना हुआ, 25। ओके फिर 25 में 2 ऐड किए तो 27। 2 हमने ऊपर कैरी में लिखा और 7 नीचे लिखा। ओके नाउ नेक्स्ट इज 7 + 0 + 6 + 7। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले इन दोनों को करेंगे फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें करेंगे। ओके चलिए 7 + 0 = 7। 7 में अगर हम 0 प्लस करेंगे तो 7 आएगा ना, फिर 7 आ गया। 7 + 6, 7 में अगर हमने 6 प्लस किया तो कितना आ गया, 13। कितना आएगा, 13 आएगा। फिर 13 + 7 कितने होंगे, 20। 13 + 7 होंगे 20। 20 फिर कैरी 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। एक बार और देखेंगे इसको, 7 + 0, 7 में 0 ऐड किया तो 7, फिर उसमें 6 ऐड किया 7 में, 7 + 6 = 13। ओके फिर 13 + 7 = 20 और कैरी 2 = 22। ओके नाउ नेक्स्ट इज 6 + 6 + 4 + 4। 6 + 6 कितने होते हैं, 12। 6 + 6 कितने होते हैं, 12। 12 + 4 = 16। 12 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 16। 16 + 4 = 20। 16 + 4 कितने होंगे, 20 होंगे। फिर उसके बाद 2 कैरी ऐड कर लेंगे तो 22। तो 2 हम कैरी में लिखेंगे, 2 हम नीचे लिखेंगे उसके। ओके एक बार और देखते हैं, 6 + 6 = 12, 12 + 4 = 16, 16 + 4 = 20 एंड 20 + 2, 2 कैरी ऐड की तो 22। ओके नाउ 2 + 1 + 2 + 2, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 + 1 कैरी हम बाद में ऐड करते हैं। ओके 2 + 1 कितने हुए, 3। 3 हो गए, 3 + 2 = 5 और फिर 5 + 2 = 7 और 7 फिर 7 में कैरी 2 प्लस कर लिया तो 9। ओके 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7 एंड 7 + 2 = 9। वैसे तो आप कैरी को पहले भी ऐड कर सकते हैं बट आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको बोला है लास्ट में ऐड करने के लिए। वैसे आप कभी भी कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, आपका कोई नंबर लीव ना हो जाए, रह ना जाए, इसलिए हम प्रॉपर एक सीक्वेंस में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टूडेंट्स अभी हमने एक्सरसाइज 2E एंड 2F के क्वेश्चंस डन करी हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों में ही सेम थे इसलिए हमने साथ में करे हैं और जो क्वेश्चंस इसमें मैंने लीव करे हैं ये आपके लिए होमवर्क है।
अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2G। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2G। ओके, चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ कॉलेज देयर आर 869 बॉयज एंड 756 गर्ल्स। ओके, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द कॉलेज। एक कॉलेज है उसमें 869 बॉयज़ हैं, बॉयज़ मीन्स लड़के, ओके, एंड 756 गर्ल्स हैं, गर्ल्स मीन्स लड़कियाँ। सो अब इसमें पूछा क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द कॉलेज, मीन्स इसमें पूछा गया है कि पूरे कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं। अभी तो इसमें अलग अलग बताया है कि बॉयज़ इतने हैं, गर्ल्स इतने हैं, अब इसमें पूछा गया है कि कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल। तो हम क्या करेंगे, इसमें टोटल बताने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। ओके, चलिए हम अपना क्वेश्चन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ बॉयज़, हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज़। बॉयज़ कितने हैं कॉलेज में, 869। अब गर्ल्स कितनी है, नीचे लिख लेंगे हम नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स कितनी है कॉलेज में, 756। एक बार और देखेंगे, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 869 लिखा हमने। अब देखिए गर्ल्स कितनी है, 756। अब हमने आपको पहले बताया था इसमें टोटल स्टूडेंट्स पूछे हैं कि कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स में तो दोनों आते हैं, बॉयज़ भी आते हैं गर्ल्स भी आते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, हमने ऐड का साइन लगाया नाउ, अब इसको हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। चलिए 9 + 6 इज इक्वल्स टू 15। 15 का कैरी 1 यहाँ पर और 5 यहाँ पर। ओके, नाउ 6 + 5 इज इक्वल्स टू 11 और 1 कैरी 12, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और यहाँ पर 2। ओके, नाउ 8 + 7 इज इक्वल्स टू 15। 15 और कैरी 1, 16। ओके, तो कितने स्टूडेंट्स हो गए कॉलेज में, 1625। ओके, चलिए एक बार हम एडिशन और देखते हैं, हमने ऐड कैसे किया है, 9 + 6 इज इक्वल्स टू 15, 1 कैरी यहाँ पर लिखिए और 5 यहाँ पर, देन 6 + 5 इज इक्वल्स टू 11 और 1 कैरी 12, तो 1 कैरी यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। ओके, नाउ 8 + 7 इज इक्वल्स टू 15 और 1 कैरी 16। ओके, नाउ लास्ट में हम लिखेंगे देयरफोर, देयर आर 1625 स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। ओके, देयरफोर देयर आर 1625 जो हमारा आंसर आया था, दोनों को ऐड करने के बाद वो लिखेंगे फिर स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को, हमने सबसे पहले इसमें क्या किया था, हमें इसमें बोला गया था कि एक कॉलेज में 869 बॉयज़ हैं और 756 गर्ल्स हैं, और हमसे पूछा गया था कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो हमने क्या किया, पहले नंबर ऑफ़ बॉयज़ लिख दिए, देन नंबर ऑफ़ गर्ल्स, दोनों को प्लस कर दिया और उससे आंसर आ गया, जिससे हमको पता चल गया कि कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर आर 825 चिल्ड्रेन इन प्राइमरी क्लासेस,
638 children in middle classes and 595 children in secondary classes in a school. How many children are there in the school? देखिए अब इसमें क्या बताया गया है, एक स्कूल में 825 बच्चे प्राइमरी क्लास में हैं, 638 बच्चे मिडिल क्लास में हैं और 595 बच्चे कौन सी क्लास में हैं, सेकेंडरी क्लास में हैं। अब इसमें पूछा गया है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द स्कूल, इसमें पूछा गया है कि स्कूल में कितने बच्चे हैं। एक बार और समझेंगे, एक स्कूल में 825 बच्चे हैं प्राइमरी क्लास में, 638 बच्चे हैं मिडिल क्लास में और 595 बच्चे हैं सेकेंडरी क्लास में। इसमें पूछा है कि स्कूल टोटल बच्चे कितने हैं स्कूल में, तो इसमें हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे चिल्ड्रन इन प्राइमरी क्लासेस, चिल्ड्रन इन प्राइमरी क्लासेस। कितने चिल्ड्रन हैं प्राइमरी क्लास में, 825, यहाँ पर लिख देंगे 825। ओके नाउ चिल्ड्रन इन मिडिल क्लासेस, अब लिखेंगे चिल्ड्रन इन मिडिल क्लासेस, कितने हैं मिडिल क्लास में, 638 लिखेंगे। नाउ चिल्ड्रन इन सेकेंडरी क्लासेस, चिल्ड्रन इन सेकेंडरी क्लासेस, कितने चिल्ड्रन हैं सेकेंडरी क्लास में, 595 लिखेंगे, 595। हमें टोटल स्टूडेंट्स पता करने हैं तो इसमें हम ऐड करेंगे। ओके चलिए ऐड करते हैं, 5 + 8 + 5 क्या कितने होंगे, पहले 5 + 8 देखते हैं, 5 + 8 कितने होते हैं, 13। ओके और फिर 13 + 5 कितने होंगे, 18। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 और यहाँ पर लिखेंगे 8। ओके नाउ 2 + 3 + 9, 2 + 3 कितने होंगे, 5 + 9 14, 5 + 9 कितने होंगे, 14 और कैरी 1 15। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और यहाँ पर 5 लिखेंगे। ओके नाउ 8 + 6 + 5, 8 + 6 + 5 कितने होंगे, पहले देखते हैं 8 + 6 कितने होंगे, 8 + 6 = 14, 14 + 5 = 19। ओके 19 + 1 = 20, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20। ओके चलिए एक बार और देखते हैं इसको, हमने इसको कैसे लिखा था, इसमें देखिए बताया था कि 825 चिल्ड्रन इन प्राइमरी क्लास, प्राइमरी क्लास में 825 बच्चे हैं, तो हमने लिखा चिल्ड्रन इन प्राइमरी क्लासेस इज इक्वल्स टू 825। फिर क्या लिखा था, चिल्ड्रन इन मिडिल क्लासेस, चिल्ड्रन इन मिडिल क्लासेस, कितने हैं मिडिल क्लास में चिल्ड्रन, 638। फिर क्या लिखा था हमने, चिल्ड्रन इन सेकेंडरी क्लासेस, चिल्ड्रन इन सेकेंडरी क्लासेस, कितने थे सेकेंडरी क्लास में चिल्ड्रन, 595, हमने लिख दिया 595। फिर इसको हमने ऐड कर लिया क्योंकि हमको बोला गया था कि स्कूल में कितने बच्चे हैं, ये तो सारी क्लासेस में अलग अलग क्लास में थे, प्राइमरी मिडिल सेकेंडरी, अब पूरा स्कूल का बोला गया है हमको, तो हम क्या टोटल करेंगे इसका, ऐड करेंगे तभी हमको पता चलेगा ना कि स्कूल में कितने बच्चे हैं। तो देखिए हमने ऐड किया 5 + 8 + 5 कितने हुए थे हमारे, 5 + 8 हुए थे 13, 13 + 5 = 18, तो 1 यहाँ लिखा और 8 यहाँ पर। फिर देखिए 2 + 3 + 9, 2 + 3 =
5 plus 9 is equals to 14 plus 1, 15. अब देखिए 8 plus 6 plus 5, 8 plus 6 is equals to 14, 14 plus 5 is equals to 19 plus 1, 20. तो ये कितना आंसर आ गया हमारा, कितने हैं स्कूल में बच्चे, 2058. कितने हैं 2058. तो लास्ट में हम लिख देंगे यहाँ पर There are 2058 children in the school. क्या लिखा है हमने, There are 2058 children in the school. Okay students, clear है सभी को? आज हमने एक्सरसाइज 2E, 2F एंड 2G क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डन किया है. और मैंने आपको होमवर्क आपका बता दिया है. इसमें आपको क्या करना है, होमवर्क में एक्सरसाइज 2E एंड 2F के जो क्वेश्चंस मैंने लीव करे हैं वो आपके होमवर्क के लिए हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. स्टे होम, स्टे सेफ.